दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी 3.0 पे। तो दोस्तों यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे कि असम राइफल्स में किस पोस्ट पर भरने में आप लोगों को कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा और कौन सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगेगा, सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों बता दें कि हम आप लोगों के लिए हाइट का वीडियो बना दिए हैं चैनल पे, तो आप लोग जाके देख सकते हैं हाइट में किस पोस्ट में कितना हाइट चाहिए, सारा जानकारी हम दे दिए हैं। तो चलिए आज आप लोगों को बताएंगे कि किस पोस्ट पर भरने पर आप लोगों को कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, आईटीए का, डिप्लोमा का या टाइपिंग का सर्टिफिकेट किस पोस्ट पे चाहिए। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप असम राइफल्स के वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन अप्लाई क्लिक कीजिएगा तो आपका स्टेट कैटेगरी भरने के बाद आप लोगों के सामने ये पोस्ट सेलेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हवलदार क्लर्क, तो इसके लिए आप लोगों को 10th का मार्कशीट लगेगा, अपलोड करना पड़ेगा, 12वीं का सर्टिफिकेट नंबर लगेगा और कब पास किए हैं ये देना पड़ेगा। और इसमें आप लोगों का जो मेन सर्टिफिकेट है जिसके बिना आप लोग फॉर्म ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, तो वह क्या है, तो वह है टाइपिंग सर्टिफिकेट। हिंदी या इंग्लिश दोनों में किसी एक में आप लोगों का है, दोनों में है तो अच्छा है, दोनों में से किसी एक में आप लोगों का सर्टिफिकेट चाहिए। 30 वर्ड हिंदी होना चाहिए और 35 वर्ड इंग्लिश होना चाहिए। और इसके लिए आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, एक फ़ोटो, और जिसका पेमेंट है तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है देखिए ये हवलदार इंस्ट्रूमेंट रिपेयर मशीन, तो इसमें आप लोगों को ITI का सर्टिफिकेट लगेगा, जहाँ भी EME है तो ITI का, इसमें भी आप लोगों को ITI का सर्टिफिकेट लगेगा। इसमें आप लोगों को जो ITI में आता है जिसमें एक्सरे किया जाता है टेक्निकल का, उसका सर्टिफिकेट लगेगा। बाकी आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, एक फ़ोटो और पेमेंट जिसका कटेगा उसका पेमेंट और कास्ट सर्टिफिकेट सबको लगेगा। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है ब्रिज रोड, तो इसमें आप लोगों को, इसमें आप लोग सिविल का भी भर सकते हैं, डिप्लोमा वाले सिविल का, जो सिविल से हैं डिप्लोमा वाले वो भर सकते हैं। और देखिए दोस्तों अब बता दे रहे हैं कि आप लोगों को एक ऐसा है पोस्ट जिसमें आप लोगों को कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। तो देखिए ये जो है राइफल मैन बार्बर, इसमें आप लोगों को कुक में इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, सिर्फ 10th का मार्कशीट लगेगा, एक फ़ोटो, एक कास्ट सर्टिफिकेट और एक आधार कार्ड या कोई आप लोगों को पहचान पत्र की फोटोकॉपी अपलोड करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर आप लोगों को देखिए इसमें, तो इसमें आप लोगों को फीटर में इसमें ITI का सर्टिफिकेट लगेगा, फिर इसमें भी ITI का सर्टिफिकेट लगेगा, फिर देख यहाँ भी आप लोगों को ITI का सर्टिफिकेट इसमें भी लगेगा, आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए इसमें भी आप लोगों को ITI और डिप्लोमा दोनों का सर्टिफिकेट में से किसी एक का लगेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए फिर इसमें आप लोगों को सिर्फ 10th का मार्कशीट लगेगा, बाकी कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए इसमें आप लोगों को ITI का सर्टिफिकेट लगेगा प्लम्बर में। फिर देखिए यहाँ पर सफाई, तो इसमें आप लोगों को सिर्फ 10th का मार्कशीट लगेगा, क्या लगेगा, तो 10th का मार्कशीट, बाकी जितना उसमें मांगा जाएगा आधार कार्ड फ़ोटो को भी हम बता दिए हैं उतना लगेगा। फिर यहाँ पर इसमें भी आप लोगों को ITI का सर्टिफिकेट लगेगा। फिर यहाँ पर देखिए इसमें भी आप लोगों को ITI या डिप्लोमा दोनों का सर्टिफिकेट आप लोग लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए वारंट ऑफिसर, तो यहाँ पर भी आप लोगों को जो मेडिकल का किसी के पास टेक्निकल का सर्टिफिकेट होगा तो वो लगा सकते हैं, नहीं तो ITI डिप्लोमा चलेगा। फिर यहाँ पर देखिए वारंट ऑफिसर असिस्टेंट, तो इसमें भी आप लोगों को टेक्निकल सर्टिफिकेट लगेगा। फिर आप लोग यहाँ तो नीचे देख सकते हैं कि हमने राइफल, क्योंकि सबसे ज़्यादा दोस्तों का कमेंट था क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेट नहीं था, तो देखिए हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं ये राइफल मैन सफाई का है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए TDN यहाँ पर आप लोग देखिए इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, देखिए कोई सर्टिफिकेट आप लोग देख लीजिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th का भर देना है, यदि आप लोगों के पास ग्रेजुएशन है तो भरना है, नहीं तो छोड़ देना है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सिर्फ, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फ़ोटो, 10th का मार्कशीट, ID डॉक्यूमेंट, अपलोड डॉक्यूमेंट, इस टाइप से आप लोगों को भरना है। फिर यहाँ पर आप लोग देख दीजिए जो राइफल मैन बार्बर TDN का है, केस काटने वाला का, तो देखिए उसका भी कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो यदि आप लोग इसका तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल पे जो टेस्ट सीरीज चल रहा है डेली 8 AM में 3 PM में अपलोड किया जाता है, ज़रूर आप लोग चैनल पे प्लेलिस्ट बनाए टेस्ट सीरीज का, ज़रूर उसमें भाग लीजिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों यदि आप लोग चैनल पे नए हैं
तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक एक कॉमेंट जय हिंद जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।